हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी ट्री और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। इस वीडियो सीरीज में आपको थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, अ सेकेंड वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। जहां तक कि थ्रेड का सवाल है, वो हम क्रिएट करने वाले हैं नल, जहां पे नल पॉइंटर होता है हर एक नोड में, उसको रिप्लेस करके हम थ्रेड बनाने वाले हैं। तो नल कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सबसे पहले अगर नोड को सिंगल चाइल्ड नोड अवेलेबल है तो जो दूसरा नोड चाइल्ड नोड नहीं है वहां पे नल होता है, और अगर नोड को दोनों भी चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं, यानी कि वो लीफ नोड है, तो वो दोनों लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की जगह पे नल होता है। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। जो बी है और सी है, दोनों जो नोड है वो लीफ नोड है, तो उसका लेफ्ट पॉइंटर आप देख सकते हो, बी का लेफ्ट पॉइंटर, बी का राइट पॉइंटर नल है। वैसे ही सी का लेफ्ट पॉइंटर एज वेल एज सी का राइट पॉइंटर भी नल है। तो जहां जहां पे नल होता है वो हम रिप्लेस करने वाले हैं थ्रेड से। तो उसके हिसाब से टाइप्स होते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री के। सबसे पहला जो टाइप होता है वो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और जो सेकेंड टाइप है वो होता है फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। अगर हम सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में सोच रहे हैं तो उसके सब दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट थ्रेड अवेलेबल होता है, और जो दूसरा टाइप है वो होता है राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जहाँ पे सिर्फ राइट थ्रेड अवेलेबल होता है। तो ये तो हो गए उसके नेमेनक्लेचर कि कौन कौन से सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो जहां पे अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है वहां पे नल पॉइंटर है, राइट? लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो वो नल पॉइंटर है। तो जो वो नल पॉइंटर है वो हमें क्या करना है, हमें वो रिप्लेस करना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से हमें वो रिप्लेस करना है। और लेट्स फोकस ऑन अ राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, राइट चाइल्ड अगर नहीं है, किसी नोड को अगर राइट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो नल है। तो वही नल हमें रिप्लेस करना है इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री विद द थ्रेड। तो वो थ्रेड क्या होगा, तो वो जो राइट पॉइंटर है विल पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री बनाना है तो उस केस में लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, और वो जो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है मतलब कि वहां पे नल पॉइंटर है, वो नल पॉइंटर हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना है। लेफ्ट है तो प्रीडिसेसर है। अगर राइट चाइल्ड का नोड और राइट चाइल्ड नहीं है और वहां का नल हमें रिप्लेस करना है तो वो हमें सक्सेसर से रिप्लेस करना है। आई रिपीट, अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और नल पॉइंटर हमें रिप्लेस करना है तो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से वो रिप्लेस करेंगे, और अगर राइट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब है राइट पॉइंटर में नल है, तो वो नल हमें रिप्लेस करना है इन ऑर्डर सक्सेसर से, राइट? अगर लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री इंप्लीमेंट करना है तो प्रीडिसेसर हमें यूज करना है, अगर राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करना है। सो इन बोथ द केसेस इफ नो सक्सेसर और प्रीडिसेसर इज प्रेजेंट, ऐसे हो सकता है ना कि अगर एक नोड है मेरे पास जिसका जो कि फर्स्ट नोड रहे हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, इसका मतलब कि उसका प्रीडिसेसर है ही नहीं, और अगर एक ऐसा भी नोड है जो कि लास्ट नोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, उसका सक्सेसर कोई नहीं है,
तो ये दोनों केस में हमें क्या करना है, ये दोनों केस में हमें इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर की बजाय हमें उसको हेडर नोड को पॉइंट करना है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। ये हो गया आपका लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री का एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका रूट नोड, ये हो गया आपका हेडर नोड। हेडर में क्या होता है, आपके रूट नोड का ही एड्रेस होता है। अभी ये 56 को क्या है, दोनों चाइल्ड नोड अवेलेबल है इसलिए हमें कोई अपडेट नहीं करना है। 23 को भी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों चाइल्ड नोड अवेलेबल है, बट 20 को अभी क्या है, जो सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है जो है 12। अभी 20 को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, वहां पे नल नहीं है, पर अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 को लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट थ्रेड के बारे में फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। राइट पॉइंटर नल है या नहीं वो हम देख नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल थ्रेड के बारे में बातें कर रहे हैं, राइट। हमें दोनों के बारे में सोचना नहीं है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर में अगर नल है तो वो हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें ये इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते आना चाहिए। अगर आपका ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री आपको पता नहीं है तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोवाइड कर रही हूँ कि ट्रैवर्सल जो होता है बाइनरी ट्री का स्पेसिफिकली इन ऑर्डर वो क्या होता है, उसके पूरे वीडियो सीरीज का मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, लेफ्ट नोड देन अ रूट नोड देन अ राइट नोड। तो लेफ्ट है 12, देन रूट नोड 20, इसका रूट नोड 23, देन 30, देन 56, उसके बाद यहाँ पे नीचे आके वो 85 और 89। तो आप देख सकते हो 12th वॉज माई फर्स्ट नोड, तो उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर अवेलेबल है नहीं। तो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, अगर इन ऑर्डर प्रेडिसेसर प्रेजेंट नहीं है तो वो उसका थ्रेड हमें कहाँ पे पॉइंट करना है, हेडर नोड को। तो इसने पॉइंट कर लिया हेडर नोड को। अभी 20 को लेफ्ट पॉइंटर में नल नहीं है तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। 23 के लेफ्ट पॉइंटर में भी नल नहीं है तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 30, 30 के लेफ्ट पॉइंटर में नल है क्योंकि उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 30 के लेफ्ट पॉइंटर का नल हम रिप्लेस कर लेंगे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से। तो 30 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है, वो है 23, इसलिए 30 के लेफ्ट पॉइंटर का नल हम रिप्लेस करेंगे 23 के एड्रेस से। ये हो गया आपका थ्रेड। अभी आगे जाते हैं, 56 को लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल है, 89 को भी लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल है और 85 को लेफ्ट पॉइंटर अवेलेबल नहीं है जो कि नल है, लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए वो नल है। तो वो नल हमने रिप्लेस कर लिया इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। अभी 85 का प्रीडिसेसर क्या है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर वो है 56, इसलिए 56 का एड्रेस हमने 85 के लेफ्ट पॉइंटर में हमने स्टोर कर लिया और वो हो गया आपका थ्रेड। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है कि लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। उसी तरह पे हम देखते हैं राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। द डिफरेंस ओनली इज दैट अगर राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो हमें सिर्फ राइट पॉइंटर पे फोकस करना है, अगर वो नल है तो वो नल वैल्यू हमें इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करना है। तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूं, जहां तक कि आपको देखना है कि अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया था, वही इन ऑर्डर रिवर्सल यूज करके हमें सिर्फ अगर 12 का राइट पॉइंटर नल है तो वो रिप्लेस कर लिया मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर से, 20 का राइट पॉइंटर नल है वो भी मैंने रिप्लेस कर ही लिया उसके इन ऑर्डर सक्सेसर दैट इज 23 से, 23 का राइट पॉइंटर नल नहीं है, उसको राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो वो हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो नल नहीं है। 30 का राइट पॉइंटर नल है इसलिए वो हमने रिप्लेस कर लिया उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, मतलब कि 56 के एड्रेस से। उसमें आगे जाके हमें जो 89 है उसका, सॉरी पहले हम 85 देख लेते हैं।
85 का राइट पॉइंटर नल है, वो भी रिप्लेस कर लिया हमने उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से। 89 का भी राइट पॉइंटर नल है क्योंकि राइट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, पर 89 हमारा लास्ट नोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, उसका कोई सक्सेसर नहीं है। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था, वैसे ही अगर इन ऑर्डर सक्सेसर हमारा अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे हेडर नोड को पॉइंट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे वो हेडर नोड को पॉइंट कर लिया। तो ये हो गया आपका राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो ये हो गया इन डिटेल आपका सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी हम फोकस करते हैं फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। अगर ये हमारा फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है तो इसका मतलब है जहां पे नल फील्ड है लेफ्ट पॉइंटर में, तो वो जो लेफ्ट पॉइंटर का नल है वो हम रिप्लेस कर लेंगे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से। उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि राइट पॉइंटर में भी अगर नल है तो वो हमें रिप्लेस करना है इन ऑर्डर सक्सेसर से। ये तो हमने लास्ट स्लाइड में ही देख लिया था कि अगर लेफ्ट पॉइंटर नल है तो हमें इन ऑर्डर प्रेडिसेसर यूज करना है, राइट पॉइंटर नल है तो हमें इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, वहां पे हम आइदर लेफ्ट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे और राइट पॉइंटर अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, इसलिए हमें दोनों के बारे में सोचना है। अगर किसी एक नोड का लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर दोनों भी नल है तो हमें दोनों के बारे में सोच के उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको रिप्लेस करना है दोनों को। इसलिए ये हो गया आपका फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन तो आएगा ही ना, जैसे कि लास्ट टाइम आया था कि अगर सक्सेसर और प्रेडिसेसर अवेलेबल है ही नहीं तो हमें क्या करना है। तो पिछली तरह से हमें करना है कि उसको अगर सक्सेसर नहीं है तो भी हमें हेडर नोड को पॉइंट करना है, प्रेडिसेसर नहीं है तो भी हमें वो हेडर नोड को पॉइंट करना है। तो चलो देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल थ्रेडेड फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री का देख सकते हो। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ओनली द डिफरेंस इज दैट आपको सभी लेफ्ट थ्रेड जो है वो ब्लू कलर में दिखाई देंगे और जो सभी राइट थ्रेड है वो रेड कलर में दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 30 जो नोड है उसको, वो जो लीफ नोड है उसको लेफ्ट पॉइंटर भी नहीं है राइट पॉइंटर भी नहीं है, दोनों नल थे। तो उसी नल को हमने 30 के लेफ्ट पॉइंटर के नल को हमने 30 के इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से रिप्लेस कर दिया, 30 के राइट पॉइंटर को हमने इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर लिया। सेम सिचुएशन है 85 के साथ, पर अगर आप अभी देख सकते हो 20 उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है पर राइट चाइल्ड नल था, वही नल राइट चाइल्ड है इसलिए राइट चाइल्ड के नल को इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर लिया, राइट। और यहाँ पे 12 का भी आप देख सकते हो जो कि वो लीफ नोड है, अभी इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर नहीं है इसलिए उसको हेडर को पॉइंट कर लिया और राइट पॉइंटर नहीं है इसलिए उसको इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दिया। और अभी देखते हैं 89 को। अगर 89 के बारे में हमें सोचना है तो 89 का लेफ्ट पॉइंटर तो नल नहीं है क्योंकि उसको लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, पर राइट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है जो कि पहले नल था वो रिप्लेस कर लिया इन ऑर्डर सक्सेसर से। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 89 वॉज द लास्ट नोड वाइल ट्रैवर्सिंग अ ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी है, 89 को हमें रिप्लेस करना है उसके हेडर से, 89 के राइट पॉइंटर को हमें रिप्लेस करना है उसके हेडर नोड से। तो वो हमने नल को रिप्लेस कर लिया हेडर नोड से। तो ये हो गया आपका फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, पर अगर हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो हमें सोचना होगा कि उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आप सभी ने देखा कि उसके दो टाइप्स होते हैं, अ लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री एंड अ राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हमें सिर्फ लेफ्ट थ्रेड अपडेट करना है, इसलिए
इतना तो आपको पता है कि अगर ये बाइनरी ट्री है तो उसके ये थ्री फील्ड्स होते हैं, और डेटा फील्ड, इट्स लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर. उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे ऐड होता है, वो होता है एल फ्लैग, दैट इज की लेफ्ट फ्लैग. ये फ्लैग नोड जो होता, फ्लैग वेरिएबल जो होता है और फील्ड जो होता है, वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लेफ्ट पॉइंटर है उसमें एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड है या एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है. इसका मतलब है कि लेफ्ट पॉइंटर में चाइल्ड नोड का एड्रेस है या उसमें थ्रेड का एड्रेस है. तो ये जो फ्लैग वेरिएबल होता है वो बुलियन टाइप का होता है, और वो हमें हेल्प करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसमें स्टोर करके. वो डिटेलिंग हम बाद में देखते हैं. अभी अगर राइट है तो यहाँ पे सिर्फ आर फ्लैग जो वेरिएबल है वो एडिशन में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट डेटा एंड राइट वो तो जनरल हो गया आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री का नोड. यहाँ पे राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री ये है, इसलिए हमें आर फ्लैग का वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा यूज करना है, जो कि हमें हेल्प करेगा कि राइट फील्ड में, राइट पॉइंटर के फील्ड में एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड है या एड्रेस ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर है. ये हो गया आपका सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री. अभी सोचते हैं कि अगर हमें फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट करना है तो उसका नोड स्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये जो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है उसका नोड स्ट्रक्चर जो है, वहां पे हमें एल थ्रेड एज वेल एज आर थ्रेड, ये दोनों हमें यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है. तो ये हो गया उसका नोड स्ट्रक्चर. और उसको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्ट नोड को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है. ये तो आपको पता ही है कि नोड स्ट्रक्चर का लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर वो होता है, वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है, क्योंकि वो एड्रेस होल्ड करने वाला है, और जो इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, डेटा फील्ड जो होता है, वो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है. यहाँ पे हम फोकस करते हैं ये जो एक्स्ट्रा फील्ड है एल थ्रेड एंड आर थ्रेड. अभी वो जो लास्ट स्लाइड पे मैंने बोला था उसका डेटा टाइप जो है वो होता है बुलियन डेटा टाइप, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसमें स्टोर करनी है. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कमेंट में बोला है कि अगर इसका वैल्यू ट्रू है, ट्रू कब होता है, जबकि लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, क्योंकि ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड वेरिएबल जो है उसमें अगर थ्रेड की वैल्यू होती है, मतलब कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एल थ्रेड, एल में क्या होता है ऑलवेज प्रीडिसेसर, राइट, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर. तो अगर ये थ्रेड में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मतलब कि थ्रेड है, थ्रेड टू द इट्स प्रीवियस लेवल, तो ये होता है ट्रू. और वाइस वर्सा ये फॉल्स कब होता है, बुलियन वेरिएबल एल थ्रेड फॉल्स कब होता है, जबकि इस लेफ्ट पॉइंटर में उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, राइट. आपको ये ध्यान में रखना है कि एल थ्रेड और आर थ्रेड ये जो दोनों है, यहाँ पे ये जो एल थ्रेड है वो वर्क होगा लेफ्ट पॉइंटर के साथ, और आर थ्रेड वर्क होगा राइट पॉइंटर के साथ. राइट और लेफ्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू है उससे हमें डिसाइड करना है एल थ्रेड और आर थ्रेड का वैल्यू. यहाँ पे अगर लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है तो ये थ्रेड वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली लेफ्ट पॉइंटर में अगर इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का एड्रेस है तो एल थ्रेड हो जाएगा ट्रू. वैसे ही अगर राइट पॉइंटर में उसके इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस है, यहाँ पे मैंने लिखा है इन ऑर्डर सक्सेसर का राइट पॉइंटर में एड्रेस है, तो ये आर थ्रेड बुलियन का वैल्यू हो जाएगा ट्रू. और वाइस वर्सा इफ दिस राइट पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड, तो ये आर थ्रेड का वैल्यू आपका फॉल्स हो जाएगा. आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है कि नोड स्ट्रक्चर ऑफ फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियोज और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, और
आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक दे रही हूँ चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए, उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ और पूरा प्लेलिस्ट भी आपके लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल टेक टॉक्स, बाय, टेक केयर।